कैसा रहा आज का मार्केट आज यानी थर्ड मार्च 2023 के मार्केट की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं परिमल सर आज के वीडियो में नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज लेकिन मार्केट रैपअप का शो मस्ट गो ऑन तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट्स तो सबसे पहले अगर हम इंडाइसिस की बात करें आज मार्केट कैसा रहा ऑन एन ओवरऑल बेसिस तो टुडे वाज अ वेरी गुड डे फॉर द बुल्स जब निफ्टी वाज अप बाय 1.57 परसेंट बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स था वो भी 2.13 परसेंट से ऊपर रहा एंड पी एस यू बैंक्स का इंडेक्स ऑन एन इंडेक्स लेवल हम यहाँ पर देख रहे हैं किस अपोर जीरो परसेंट तो हम ये सारे रीजन अंडरस्टैंड करेंगे थ्रू द न्यूज़ की क्यों आज इंडेक्स में ही इतना बड़ा जंप देखने को मिला तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी अदानी ग्रुप के बारे में जी हाँ ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर ये अदानी ग्रुप जो है वो अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा है एंड यहाँ पर एक और अपडेट जो मार्केट क्लोज के बाद आई कि अदानी ग्रुप में एक जी क्यू जी करके एक जो ग्रुप है जी क्यू जी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स करोड़ इस स्टेक को सेल किया है अदानी ग्रुप अदानी ग्रुप अदानी जो फैमिली है उन्होंने खुद ये स्टेक सेल किया है एंड ये फिफ्टीन थाउजेंड करोड रुपीज़ जो है वो रेज़ किए हैं सो बेसिकली ये जो uh, ये ये जो एंटिटी है दैट इज़ अ यू बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म एंड इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए है अदानी ग्रुप के चार कंपनीज़ में विच इंक्लूड्स अदानी पोर्ट्स अदानी ग्रीन अदानी ट्रांसमिशन एंड अदानी एंटरप्राइजेस तो ये सारे चार एंटिटीज़ में इन्वेस्टमेंट मिला के फिफ्टी करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने इस फंड ने इस अदानी ग्रुप में किया है तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट है कि ये जो मनी रेज किया है यहाँ पर अदानी ग्रुप ने दैट विल बी यूज फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट अल्दो हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर वीक में इस ग्रुप के बारे में कोई नया अपडेट्स आ रहा है बिकॉज लास्ट ही वीक में अदानी ग्रुप ने काफी सारा डेट रीपेमेंट करने की कैपेसिटी शोकेस की थी एंड नाउ सडनली दे आर रेजिंग मनी सो एक स्टांस जो है वो हर हर मोमेंट पर चेंज हो रहा है लेकिन हमें यहाँ के आगे डेवलपमेंट देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अदानी ग्रुप यहाँ से कहाँ जाएगा

वो थोड़ा सा डाउट में आ रहा था जब से इंडियन वर्क का रिपोर्ट आया था उसके बाद से एंड नाउ सिंस द मार्केट इज सीइंग कि अदानी के पास 15,000 थाउजेंड कर रुपीज आ जाएंगे जो वो डेट रिपेमेंट में यूज करेंगे देन सडनली इन स्टॉक के प्राइजेस में एक अपस्विंग आया है एक और न्यूज जो एस के बारे में आ जाइए एंड दैट इज अबाउट येस बैंक तो एज यू माइट नो तीन साल पहले येस yes बैंक को रिस्ट्रक्चर करने में गवर्नमेंट ने एस को कहा था कि आपको इस बैंक में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तब एसबीआई ने 49 परसेंट स्टेक अक्वायर किया था इन इन यस बैंक एंड Uh, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि तीन साल का लॉक इन रहेगा एस पे जहां पर वो एक अमाउंट के आगे स्टेक बेच नहीं सकते लेकिन वो लॉक इन को खत्म होने uh, खत्म होने वो जो लॉक इन पीरियड है वो अब खत्म होने आया है एंड नेक्स्ट वीक ये लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है सो नाउ एस बी आई हैज दी एबिलिटी टू सेल देयर स्टेक आइदर इन पार्ट और एंटायरली एंड दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट विद द शेयर राइट नाउ ऑब्वियसली गवर्नमेंट का उसमें से रहेगा गवर्नमेंट विल डायरेक्ट एस बी आई रिगार्डिंग वॉट दे वॉन्ट टू डू लेकिन एस का जो स्टेक है उस पर अभी कोई लॉक इन पीरियड यहां पर नहीं रहे

कम्पेयर टू द पीयर्स यानी श्री सीमेंट के बाकी जो कॉम्पटूटर्स है उनके कम्पेरिजन में श्री सीमेंट्स उतनी कैपेसिटी एडिशन नहीं कर रहा है करंटली uh, उनका यह कहना है कि जो कंपनी uh, के प्लान है अबाउट केपेक्स इन द फ्यूचर उसके हिसाब से सिर्फ सेवन पॉइंट फाइव परसेंट का ग्रोथ सी ए जी आर होगा टिल एफ वाई थर्टी इसके अलावा एक और रीज़न जो उन्होंने बताया है वो ये है कि कंपनी एक्सपांड कर रही है अपनी मेन टेरिटरी के बाहर यानी राजस्थान के मार्केट के बाहर वो एक्सपांड कर रही है एंड अगर ईस्ट इंडिया में उनके जैसे प्लान्स है टू एक्सपांड देयर ऑपरेशन तो वहाँ पर यूजली जो इंडिया इंडस्ट्री है दै मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ समय अराउंड थाउजेंड रुपीज पर टन इबड्डा ऑफ थाउजेंड रुपीज पर टन करंटली श्री सेमेंट का जो इबिडा है दैट इज ट्वेल हंड्रेड रुपीज पर टन सो so, एक एक्सपेक्टेशन uh, है कि आगे चल के जो इबड्डा पर टन श्री सेमेंट करता है वो आगे चलकर डायल्यूट होगा तो इन वजह से गोल्डमैन सैक्स इज बेरिश ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक द नेक्स्ट न्यूज इज अब जिंदल स्टील जिंदल स्टील वॉज अपन पॉइंट जीरो सेवन परसेंट टूडे इसका रीजन ये है कि कंपनी इज इन्वेस्टिंग रुपीज टेन थाउजेंड क्रोर्स फॉर सेटिंग अप थ्री मिलियन टन पर एन एम प्लांट इन आंध्र प्रदेश इसके अलावा नवीन जिंदल जो इनके सी ईओ है उन्होंने ये भी कहा है कि दिस वुल ऑल्सो हेल्प क्रिएट टेन थाउजेंड जॉब्स इन द इन द रीजन एंड उन्होंने ऑलरेडी एक एमओ यूनिनी मेमरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया विद द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी अक्रॉस सोलार विंड एंडड्रो पावर अगली न्यूज है एंजल वन की एंजल वन विच इज अ ब्रोकरेज कंपनी दैट वाज अप बाय 5.75 परसेंट टूडे इसका रीजन ये था कि कल आफ्टर मार्केट आवर्स कंपनी ने अपडेट्स दिए हैं फॉर द मंथ ऑफ फ़रवरी जहां पर उनका क्लाइंट बेस हैज इंक्रीज बाय 3.4 परसेंट ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिसन टू जनवरी

एंड uh, जो कैटलिस्ट है जो चीजें जिनसे ये ट्रिगर हो सकता है वो उन्होंने कहा है कि मोनिटाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल एसेट्स यानी एनटीपीसी जैसी कंपनी भी जो मेनली थर्मल में ही अब तक फोकस्ड थी वो भी अभी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है तो आगे चल के जब ये सारे एसेट्स मोनिटाइज होंगे यानी इनसे भी कैश कैश्लो आना शुरू होगा तो कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी बढ़ जाएगी ऐसा मॉर्गन स्टैंडली का कहना है इसके अलावा न्यू थर्मल ऑर्डर्स भी काफी रोबस्ट दिख रहे हैं एंड लोअर कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी एंड अक्वायरिंग एसेट्स सो बहुत सारे इस इंडस्ट्री में कंपनीज है जो स्ट्रेस्ड एसेट्स बन चुके हैं जहां पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ नहीं रहा है तो उनको अक्वायर करने में एनटीपीसी का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है जहां पर और कोई प्लेयर उतना आ, उतना एग्रेसिव नहीं है एंड कमिश्निंग ऑफ पाइपलाइन ऑर्डर्स ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एन में मरम स्टैली को नजर आ रही है सो so, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा हमारा दिल्ली में एक ऑफलाइन सेशन है ऑन ट्वेंटी मार्च 2023 तो अगर आप दिल्ली एनसीआर रीजन में है उस टाइम पर तो रजिस्टर करना मत भूलिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी एंड इन्वेस्ट इन पर जाकर आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज एंड बाकी रिसर्च प्रोडक्ट्स पा सकते हैं सो डोंट फर्गेट टू विजिट आवर वेबसाइट मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू